ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूल बंद करने पर कोई विचार नहीं है और स्कूल जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल कहते हैं पूरी क्षमता के साथ फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे और स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है, यानी कि कोविड गाइडलाइन जो तैयार है उसके तहत ही स्कूलों में पढ़ाई कराई जा रही है पूरी क्षमता के साथ। हालांकि स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों में जो कोविड नियम है उनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं शिक्षा मंत्री के बयान से जुड़ा हुआ। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शिक्षा मंत्री ने अपना बयान जारी किया है जिसके अनुसार स्कूल बंद करने का कोई विचार नहीं है, ये उन्होंने कहा है, और इसके अलावा स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, पूरी क्षमता के साथ फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे लेकिन जो स्कूल खुलेंगे के बारे में पूरी तरीके से सरकार जागरूक है और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमारे हमने स्कूल भी खोले हैं वहाँ भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारी चीजों का करना चाहिए। स्कूल बंद होने की देखिए अभी तक कोई एक मिनट अभी तक कोई असर नहीं स्कूलों के ऊपर। अभी तक हमारे स्कूल जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ हमने एक निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था और फुल टाइम के लिया था लेकिन उसको हमने स्थगित कर दिया। हम जैसे पहले स्कूल चल रहे थे वैसे स्कूल चल रहे हैं और वैसे ही चलेंगे।